फिनो पेमेंट बैंक का हम पासबुक को हम इशू करके हम दिखाएंगे। फिनो मित्र एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इस तरह से पहले से आपके पास ये पासबुक होना चाहिए, ऑर्डर करके रखना होगा। इसमें QR भी है और इसमें किट का नंबर भी है। और यहाँ पे हम अकाउंट ओपन करते समय जो कस्टमर का मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर को इसमें टाइप करने के बाद यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर लेंगे कस्टमर का मोबाइल नंबर को, और इसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा टाइप अकाउंट ओपन किया है, वो अकाउंट आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर देखिए नीचे पे आने के बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, इसमें हम सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे पे आ जाएंगे थोड़ा इस तरह से, और यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन होगा, इसमें हम पासबुक पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे पासबुक में हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोनों पासबुक शो करेगा, इसमें डिजिटल पासबुक और फिजिकल पासबुक। यहाँ पे हम फिजिकल पासबुक को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इशू का पासबुक होगा और दूसरा है री इशू। यहाँ पर री इशू भी कर सकते हैं अगर करना है। इशू में हम क्लिक कर लेंगे। कस्टमर को पासबुक लेने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। इसमें ओके पे हम क्लिक कर लेंगे। अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, किट डिटेल और पासबुक किट नंबर को इसमें टाइप करना होगा। फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक का बैक साइड पर इस तरह से QR और किट नंबर इसमें शो करेगा। यहाँ पे किट नंबर टाइप कर देना है अच्छे से, मिला के टाइप करने के बाद पासबुक की वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से ये फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक का बैक साइड का किट नंबर को टाइप कर देना है। इसमें हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसमें हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। इसमें कस्टमर का अकाउंट होल्डर का इसमें बायोमेट्रिक को अच्छे से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे टच करने के बाद फिंगर को कैप्चर करना होगा। इस तरह से कस्टमर का अकाउंट होल्डर का फिंगर को कैप्चर हमने कर लिया है आधार ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पे अभी हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पासबुक इशू सक्सेसफुल हो चुका है, और इस तरह से कस्टमर को न्यू पासबुक इशू करके दे सकते हैं। इसमें फिनो का BC रिटेलर CSP इस तरह से फिनोमीटर एप्लीकेशन से यहाँ पे पासबुक को इशू करके दे सकते हैं। हमने फिनिश पर क्लिक कर लिया है। इस तरह से पासबुक को न्यू पासबुक को फिनो पेमेंट बैंक का इशू करके दे सकते हैं। और इसमें दोबारा से हम प्रोसेस दिखाएंगे। इसमें कोई से भी कस्टमर का मोबाइल नंबर को इसमें टाइप करके इसमें सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें नीचे पे आने के बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, इसमें देख सकते सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे पे आ जाना है और इसमें पासबुक का ऑप्शन होगा, यहाँ पे पासबुक पर क्लिक करके आप इशू करके दे सकते हैं और री इशू करके भी दे सकते हैं। और इस तरह से फिनो पेमेंट बैंक का न्यू पासबुक को इशू करके दे सकते हैं।